भारत के दक्षिण के पहाड़ों में नीलगिरी थार नाम की एक बकरी की प्रजाति पाई जाती है। ये जानवर दक्षिण भारत के तमिलनाडु व केरल राज्य में पाया जाता है। यहाँ पर नीलगिरी हिल्स के दक्षिण भाग के पश्चिम घाट पर यह थार पाया जाता है। अन्नमलाई संरक्षित इकाई में इन थारों की अधिकतम संख्या पाई जाती है। इस इकाई में अन्नमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इरविकुलम नेशनल पार्क आता है। इन सब में इरविकुलम नेशनल पार्क में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ पर इनकी वर्तमान संख्या 800 थारों के करीब है। इस बकरी को तमिलनाडु राज्य का राजकीय जानवर होने का गौरव प्राप्त है। ये थार भेड़ की रिश्तेदार प्रजाति है। लोग इसे स्थानीय भाषा में नीलगिरी इविक्स या इविक्स कहते हैं। नीलगिरी थार जर्मन नाम है। तमिल में इसे बारायदु, मलयालम में इसे वरयाड तथा फ्रेंच भाषा में इसे थार देश मॉन्स ऑफ नीलगिरी कहा जाता है। विडंबना यह है कि एक प्रदेश का राजकीय जानवर होने के बाद भी बकरी की यह प्रजाति भारत में विलुप्त होते हुए जानवरों की प्रजाति में शामिल है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संरक्षित जानवरों की सूची में रखा गया है और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने भी इसे संरक्षित प्रजाति के रूप में माना है। केरला के इडुक्की जिले में इरविकुलम नेशनल पार्क है। मुन्नार केरला का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। मुन्नार से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर यह नेशनल पार्क है, जहां ये थार आसानी से देखे जा सकते हैं। हम लोगों ने इसी पार्क में इस जानवर के बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया। इरविकुलम नेशनल पार्क 97 किलोमीटर में फैला हुआ है और लगभग 1000 पशु पक्षियों की शरण स्थली है। उपनिवेश काल में यह इलाका शिकार व मछली पकड़ने के लिए अनुरक्षित किया गया था। 1928 में गेम प्रिजर्वेशन एसोसिएशन नाम के एक एनजीओ ने इस इलाके की सुरक्षा व प्रबंधन का जिम्मा लिया। आजादी के बाद 1971 में केरला सरकार के द्वारा इस इलाके को ले लिया गया और 1975 में इस स्थान को अभयारण्य का दर्जा दे दिया गया। 1978 में अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान भी बना दिया गया। इस नेशनल पार्क की खास बात है कि यहाँ 2000 मीटर का पठारी चरागाह है और नीलगिरी थार संख्या में सबसे अधिक यहीं पाए जाते हैं। इसके पास ऊंचाई पर हरे भरे चरागाह या फिर कह लीजिए पठारी है, जो समुद्र तल से ऊपर 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और पूरी तरह से हरी हरी घासों से करीब 80% ढका हुआ है। यहाँ पर दो छोटी नदियाँ भी हैं। इनमें से एक नदी का नाम चिन्नार है। इसका उद्गम इरविकुलम नेशनल पार्क के घास के मैदानों से होता है और ये उत्तर पश्चिम दिशा से बहती है। और दूसरी पाम्बार नदी है। पाम्बार नदी का उद्गम तलियार वैली से हुआ है और चिन्नार नदी पाम्बार नदी के साथ इरविकुलम के जानवरों की प्यास बुझाती है। मुन्नार में इरविकुलम नेशनल पार्क का ये टिकट काउंटर है। यहाँ से राजमाला चोटी की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है, जहाँ ये थार पाए जाते हैं। यहाँ से टिकट लेने के बाद केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ डिवीजन मुन्नार की बसें राजमाला पीक तक ले जाती हैं। ये मुन्नार की राजमाला पीक है। इरविकुलम नेशनल पार्क में यह जगह इन थारों का घर है। यहाँ ये नीलगिरी थार बेहद आसानी से देखे जा सकते हैं। इन घास के चरागाहों में इन्हें अपना भोजन करते देखा जा सकता है। ये बेहद शर्मीले और शांत जानवर होते हैं, लेकिन ये थार बेहद ताकतवर भी होते हैं।
नर थर मादा थर से बड़ा तथा भारी होता है। नर के शरीर का वजन मादा के शरीर के वजन से दोगुना होता है। थार की तीन प्रजातियां हैं, पहला नीलगिरी थार, दूसरा हिमालयन थार और तीसरा अरबी थार। ये अरबी थार संयुक्त अरब अमीरात के हजार पहाड़ियों व ओमान में पाया जाता है। तीन थार प्रजातियों में नीलगिरी थार सबसे बड़े होते हैं, ये हिमालयन थार से थोड़े से ही बड़े होते हैं। नर थार लगभग 100 किलोग्राम का व मादा 50 किलोग्राम के लगभग होती है। वयस्क नर और मादा रंग से पहचाने जा सकते हैं। नर थार मादा से ज्यादा गहरे रंग का होता है। मादा थार व अवयस्क थार का रंग पीले भूरे या फिर काले ग्रे का मिला जुला रंग होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ वयस्क नर का रंग ज्यादा गहरा भूरा होता जाता है, या यूं कह लें कि उम्र बढ़ने के साथ साथ चॉकलेटी भूरा या काला भूरा होता जाता है। 1997 के आंकड़ों के मुताबिक नीलगिरी थार की संख्या अन्नमलाई कंजर्वेशन यूनिट और पलम्बीकुलम सेंचुरीज में 570 से 690 के बीच थी। शुक्र है कि अब ये संख्या कुछ बढ़ी है। इरविकुलम नेशनल पार्क को भी शामिल कर लें तो थारों की जनसंख्या 1997 के आंकड़ों के मुताबिक 1400 थी। भारत में आज इनकी कुल आबादी 2000 के लगभग है, जिसमें सबसे अधिक थारों की संख्या इरविकुलम में ही है। यहाँ ये लगभग 800 की संख्या में है। इन्हें पर्यटकों का कोई भय नहीं होता, ये उनके सामने आ जाते हैं। और अगर आप भी इरविकुलम जाएं तो ऐसा मौका आपको भी मिल सकता है। वैसे ये बेहद शर्मीले होते हैं व झुंड में रहना पसंद करते हैं। हमें भी कई थार सड़क के किनारे बिना डर के घास खाते मिले थे। नर व मादा दोनों के पास घुमावदार सींग होती है, लेकिन नर थार के पास मादा से बड़ी सींग होती है। इस सींग के कारण ही इनका शिकार होता रहा है। विदेशी बाजारों में इस सींग की अच्छी कीमत मिलती है। थारों के पोचिंग के कारण थारों की संख्या दिन ब दिन कम होती गई है। इनके कम होने का एक और कारण है, वो है मादा थार अपने जीवन काल में केवल एक या अधिकतम दो बच्चों को ही जन्म देती है, और दो बच्चों का जन्म ज्यादातर जुड़वा होने की स्थिति में ही हुआ है। इनके संकटग्रस्त होने का प्रमुख कारण इनका शिकार है, पर वर्तमान में इस पर खासी लगाम लगाई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जो एक और कारण बताया जाता है वो है इनके समूहों में आपसी मेल का न होना। जहाँ ये रहते हैं उसके आसपास मानव ने अपना बसेरा बना लिया है, जिससे कि ये थार अपने उन दूसरे समूहों के संपर्क में नहीं आ पाते जो दूसरी पहाड़ियों पर रहते हैं। इन इनब्रीडिंग के कारण भी इनकी आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हम मानवों की बस्ती के कारण भी इन्होंने अपना बसेरा कुछ और ऊपर बना लिया है। पहले ये जानवर कुछ और निचली ऊंचाई पर पाया जाता था, लेकिन अभी ये समुद्र तल से 1200 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। आज बकरी की ये प्रजाति खतरे में है और संरक्षित प्रजातियों में आती है। मुन्नार आने वाले तमाम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है, लेकिन भारत में नीलगिरी थार की ये प्रजाति पूरी तरह संरक्षित है। I've heard about Nilgiri hills, the beauty of the Nilgiri hills, especially Rajmalai, and was very keen to see someday Nilgiri Thar. And here I got not only an opportunity, but also saw a huge herd of the goats, almost about 20-25 of them, and so impressive, so elegant animal, and I don't know how it has become endangered. Nilgiri Thar के बारे में बातें बहुत सारी हैं। आशा करता हूँ थोड़ी बहुत जानकारी नीलगिरी थार के बारे में जरूर मिली होगी। जब मैंने इस थार के बारे में करीब से जाना, समझा और पढ़ा व इरविकुलम नेशनल पार्क में जाकर इसे देखा तो इसके लिए मन में प्यार और संवेदनाएं और बढ़ गईं। ये थार अपने आप में अद्भुत है और हमारी आने वाली पीढ़ियां इसे देखना चाहेंगी। हमारी प्रकृति भी थार को बेहद चाहती है और इसकी जरूरत महसूस करती है। कृपया इसे बचाए रखने में मदद करें।